नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दो आपके पास रैशनल नंबर हैं 7/4 और -5/6, इनको आपको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ है। तो पहले नंबर लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, एक लाइन है, ये दोनों तरफ एरो का जो साइन है इसका मतलब है ये दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ती जाएगी, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो मैं कुछ इंटीजर्स इसके ऊपर आपको लिख के दिखाता हूँ। नंबर लाइन में जब भी आप राइट साइड में चलेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, और जब भी आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर आपके डिक्रीज होंगे हमेशा। तो ये एक नंबर लाइन है जिसपे मैंने कुछ इंटीजर्स को शो किया है। अब जैसे आपका नंबर है 7/4, 7/4 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले आप ये देखिए कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये फ्रैक्शन आता है। 7 को 4 से डिवाइड कीजिए, आप कितनी बार टेबल बोल सकते हैं आप, एक बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज्यादा हो जाएगा, यानी ये एक बार डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो नंबर 7/4 है ये एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है, यानी ये एक और दो के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं आपको मिलेगा। 7 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक ही बार डिवाइड हो पाता है, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच गया 3, यानी एक से ज्यादा बार डिवाइड नहीं होता। तो ये नंबर है वो एक से बड़ा और दो से छोटा है, लार्जर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2। तो 1 और 2 के मिडिल में कहीं पर आपको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, आपको 1 और 2 दो ही नंबर। अब आप जो आपकी नंबर लाइन है इसमें आप काफी दूर दूर लिख लीजिए नंबर, जैसे यहां मैं लिख लेता हूं 1। अब आप कहेंगे 0 कहां लिखेंगे, तो ये लाइन क्या है मैंने आपको बताया, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, आप इसके लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा। तो अब हम काफी दूर दूर लिखेंगे इसके, ये 1 है और ये मैंने यहां लिख दिया इसका 2। इसके इधर आप काफी दूरी पर, जितनी ये जो दूरी है वो इक्वल होना चाहिए इनके बीच में, 0 आ जाएगा, फिर आगे 3 आ जाएगा। इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में इसको लोकेट करना है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में नंबर है। नंबर है आपका 7/4, 7/4। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 4। डिनोमिनेटर है इसका 4 और ये नंबर है 1 और 2 के बीच में है। तो आपको 1 और 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जितना इसका डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में, 4 पार्ट में। आप स्केल लीजिए और 1 और 2 के बीच की लेंथ आप जैसे ले लीजिए, पहले ले लीजिए कि आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 और 2 के बीच की, 2 और 3 के बीच की, आपको 4 सेंटीमीटर लेने, या फिर आप इसकी यदि आप 1.5 सेंटीमीटर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी 1 और 2 के बीच की। यानी इसके 4 बराबर पार्ट करने हैं आपको, चाहे 1 सेंटीमीटर लें, चाहे 1.5 सेंटीमीटर लें, 2 सेंटीमीटर लें। तो मैं यहां करता हूं 1 2 3, अभी 4 पार्ट बन गए, देखिए 1 2 3 4। डिनोमिनेटर आपको ध्यान में रखना है 4, 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है। 2 है, इसके भी आपको डिनोमिनेटर में कितना लिखना है, 4, तो ये आ जाएगा 8/4, क्योंकि 8 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, यानी ये 2 ही है, 8 को 4 से डिवाइड करने पर 2 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है। अब 4 और 8 के बीच में ये है आपका, बटे में 4 रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 ही रहेगा, 4 के बाद में राइट साइड में इंक्रीज होगा 5/4, ये आ जाएगा आपका 6/4 और ये आ जाएगा आपका 7/4। नंबर क्या है हमारा आपका 7/4, तो ये यहाँ आ गया। तो यहाँ अब एक छोटा सा पॉइंट लगाकर लिख दीजिए कि ये जो पॉइंट ए है यही यहीं पर 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में 7/4 हम लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा नंबर और देखिए, फिर आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी ये बात, बिल्कुल ईजी है। दूसरा नंबर है -5/6, -5/6 किसके बीच में है आप ये देखिए नंबर लाइन पर। देखिए ये नंबर लाइन में दोनों तरफ एरो लगा देता हूं मैं, अगर आप एरो नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब इसके एंड पॉइंट्स हैं और ये एक लाइन नहीं बल्कि एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, आपकी जो रे होती है उसमें वन साइड एंड पॉइंट होता है और जो आपकी लाइन है उसमें एंड पॉइंट दोनों तरफ ही नहीं होता, दोनों तरफ एरो का साइन होता है। -5/6, अब ये 0 से तो लेफ्ट में होगी क्योंकि माइनस की संख्या है, माइनस का नंबर है, 0 से लेफ्ट में आएगा। 5 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड नहीं हो रहा, यानी यदि 1 बार डिवाइड हो जाता तो 1 -1 के बाद में आता है, 2 बार डिवाइड हो जाता तो -2 और -3 के बीच में आता। यदि जैसे कोई नंबर आपके पास नंबर है, जैसे मैं प्लस का बताता हूं, 17/5, 17 को आप 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 3 15, फिर रिमाइंडर बचेगा 2,
तीन बार डिवाइड होता है और उसके बाद में भी रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब वो जो आपका नंबर है ये इसके बीच में होगा, 3 है और 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में आपको 17/5 मिलेगा। ऐसे आपका नंबर है 7/4, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 वन जा 4, यानी ये 1 और 2 के बीच में होगा। ऐसे नेगेटिव नंबर यदि आपके पास हो, जैसे -19/5, 5 3 15, 5 4 20, 20 ज्यादा आ जाएगा, तो वाई 5 3 15 यानी -3 और उसके बाद में भी रिमाइंडर बच गया, तो ये आएगा -3 और -4 के बीच में। ऐसे ही यदि आपके पास जैसे ये 29 हो, तो 5 5 25, 5 टाइम्स आप इसकी टेबल बोल सकते हैं इसमें, यानी 5 बार डिवाइड होगा, तो ये होगा -5 और -6 के बीच में। ये जो नंबर है आपका -5/6, 5 में 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी एक बार भी आप टेबल नहीं बोल पा रहे, तो इसका मतलब ये -1 से पहले आएगा, किसके बीच में आएगा, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं 0 और यहां लिख लेता हूं मैं -1, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के। यदि एक बार भी इसका भाग चला जाता तो ये -1 और -2 के बीच में आता, यदि दो बार चला जाता तो -2 और -3 के बीच में आता, क्योंकि यहां एक बार भी भाग नहीं गया है, तो आप ये 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि -1 से भी पहले आएगा। अब वही तरीका है, इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 6, ये है आपका 0/6, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0, -1 है, ये होगा आपका -6/6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी -1, डिनोमिनेटर आपको 6 रखना है। अब आपको इसके बीच में 6 पार्ट बनाने हैं, इसके आप इक्वल पार्ट बनाएंगे स्केल से, तो 6 पार्ट बनाने के लिए यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6 अपने आप बन गया, 6 पार्ट हो गए। 0/6 के आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये आएगा आपका -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, ये आ गया आपका -5/6। यहां आप जैसे कोई भी नेम दे दीजिए इसको, ए या बी या पी क्यू, जो भी आप देना चाहें, तो ए जहां बिंदु ए लिखा हुआ है वही -5/6 है, यानी हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर -5/6 को नंबर लाइन पे 0 और -1 के बीच में। तो ये कोई भी आपको दिया गया रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक इजी सा तरीका है। नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तीन आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 2/11, -2/11, तो 2 को आप डिवाइड कीजिए 11 से, एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये माइनस का नंबर है तो ये -1 से बाईं तरफ तो नहीं जाएगा, यानी 1 बार डिवाइड हो जाता तो -1 और -2 के बीच आता, यदि 2 बार डिवाइड हो जाता तो -2 और -3 के बीच में आता, लेकिन ये एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ है तो ये क्या आएगा, -1 से भी दाईं तरफ आएगा, यानी 0 और -1 के बीच में। ये भी 5 भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा और माइनस का नंबर है तो ये क्या आएगा, देखिए यदि मैं यहां लिखता हूं जैसे 0, यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें 11 पार्ट करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा पार्ट है वो 0, तो 0 से राइट साइड में तो आप नंबर लाइन पर कभी भी चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो ये 0 से लेफ्ट में है, 0 से लेफ्ट में कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, ये 0 और -1 के बीच में, क्योंकि -9/11 आप डिवाइड करेंगे तो एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये एक तो आएगा ही नहीं इसमें, तो एक से पहले ही आ जाएगा, तो 0 और -1 के बीच में। तो आप 0 और -1 के बीच में, आपके इनके नीचे 11 है, डिनोमिनेटर इनका 11 है, तो आपको 11 पार्ट्स करने हैं 0 और 1 के बीच में, इक्वल पार्ट्स। तो आप जैसे आपका स्केल है उससे 0 और -1 के बीच की डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर रख लेना, 11 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो एक एक सेंटीमीटर के 11 पार्ट्स बन जाएंगे। जैसे यहां मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, ये जैसे 0 है आपका और ये लेफ्ट साइड में मैंने -1 ले लिया, काफी दूर दूर लेने पड़ रहे हैं क्योंकि 11 पार्ट्स करने हैं। अब इसके मैं 11 पार्ट्स कर देता हूं, देखते हैं सही होते हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है ही। अब इसमें आपको लिखना कैसे, देखो बटे में आपको लिखना है 11, 11 डिनोमिनेटर में 11 ही लिखना है, तो 0 को तो आप लिख देंगे 0/11, 0 में 11 से आप डिवाइड करेंगे 0 आएगा,
वन को आप लिखेंगे 11/11, माइनस वन है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस इलेवन में आप 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे माइनस वन आ जाएगा। अब जीरो से लेफ्ट में चलते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर 11 ही आएगा, तो क्या आता है माइनस वन अपॉन इलेवन, माइनस टू अपॉन इलेवन, माइनस थ्री अपॉन इलेवन, माइनस फोर अपॉन इलेवन, और ऐसे हम सारा लिखते हैं, ये माइनस एट अपॉन इलेवन, माइनस नाइन अपॉन इलेवन, माइनस टेन अपॉन इलेवन। ये एक बार आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाए तो बहुत ईजी है। अब आपको जो तीनों नंबर है वो आप देख लीजिए कहां पर आपके, माइनस टू अपॉन इलेवन फर्स्ट नंबर है, ये रहा माइनस टू अपॉन इलेवन, यहां आपने नंबर लगा दिया कोई भी एक लेटर लिख लीजिए इसके लिए, पी लिख दिया हमने, माइनस फाइव अपॉन इलेवन के लिए आपने लिख दिया जैसे क्यू लिख दिया, और माइनस नाइन अपॉन इलेवन के लिए आपने लिख दिया क्यू लिख दिया जैसे, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि पी क्यू एंड आर, सॉरी आर लिख दीजिए, पी क्यू और आर वे स्थान हैं जहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस टू अपॉन इलेवन, माइनस फाइव अपॉन इलेवन, माइनस नाइन अपॉन इलेवन, जो कि नंबर लाइन में जीरो और माइनस वन के बीच में है। तो जीरो और माइनस वन के बीच में इन तीनों नंबर्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आपका नंबर आ रहा है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या वो जीरो और माइनस वन के बीच में है, या जीरो और वन के बीच में है, क्या वो वन और टू के बीच में है, या फाइव अपॉन सिक्स, फाइव और सिक्स के बीच में है। तो ये देखने के बाद में आप उन दो इंटीजर्स के उतने पार्ट कर लीजिए जितना उसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर 11 है तो उसके 11 पार्ट कर लें उन दोनों के बीच के, यदि 7 है तो 7 पार्ट कर लें, और फिर आप इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।